हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में इस टॉपिक से पहले की सारी वीडियो और इस टॉपिक के बाद की सारी वीडियो एक सीरियल में दी हुई है। उस सीरियल में दी हुई है जिस सीरियल में अगर आप देखते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट ठीक से समझ में आएंगे। अगर हम बात करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझने से पहले हम समझते हैं कि दो तरीके की मोनोपोली होती है, प्योर मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तो प्योर मोनोपोली और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में क्या डिफरेंस है, ये पहले हम समझते हैं। देखिए, मोनोपोली उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें सिंगल सेलर होता है और जिस तरीके की वो गुड सेल कर रहा होता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तो प्योर मोनोपोली उस केस को कहते हैं जिसमें सिंगल सेलर हो, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, लेकिन वो सभी कंज्यूमर से सेम प्राइस चार्ज कर रहा है। यानी कि अगर कोई मोनोपोली सभी कस्टमर से सेम प्राइस चार्ज कर रहा है तो उसको कहते हैं हम प्योर मोनोपोली। और अगर सिंगल सेलर हो, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, लेकिन अलग अलग कस्टमर से, अलग अलग कंज्यूमर से वो अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है फॉर द सेम गुड्स, तो इस तरीके की मोनोपोली जो होती है उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। यानी कि प्योर मोनोपोली में क्या होगा कि जो प्राइस होगा गुड्स कंज्यूमर ए के लिए वो 10 होगा और बी के लिए भी 10 होगा, और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में ए कंज्यूमर के लिए हो सकता है प्राइस 10 हो, बी के लिए 20 हो और सी के लिए 30 हो। तो जो इस तरीके की प्रैक्टिस करता है मोनोपोली, यानी कि अलग अलग प्राइस पर अलग अलग गुड्स, अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस पे गुड्स देना, अगर कोई मोनोपोली इस तरीके की प्रैक्टिस करता है तो उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, और इस पॉलिसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि प्रैक्टिस करने वाले मोनोपोली को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली और इस प्रैक्टिस का नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि एक मोनोपोली जब डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है और इस डिफरेंट प्राइस चार्ज करने की वजह गुड्स का कॉस्ट डिफरेंस नहीं होता, तो इस प्राइस पॉलिसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आप एक एसी बस में जाते हैं और एक नॉन एसी बस में यूज करते हैं, तो एसी बस का सफर करने का किराया और नॉन एसी बस सफर करने का किराया अलग अलग होगा। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि एक एसी बस है, एक नॉन एसी बस है, तो दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, दोनों में फैसिलिटीज अलग अलग है, इसलिए प्राइस भी अलग अलग ही होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब कहलाता है जब एक फैसिलिटीज के लिए सेम गुड्स के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाए। यानी कि मान लीजिए कस्टमर ए, मान लीजिए एसी टिकट में अगर कोई सीनियर सिटीजन चढ़ता है तो उसको 20% का डिस्काउंट है, तो इस केस में उसको, इसको आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो, क्योंकि वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू एज हो रहा है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू दोज प्राइस पॉलिसी बाय द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इन विच मोनोपोली चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, और इस प्राइस डिफरेंस का जो वजह है वो कॉस्ट डिफरेंस नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ कि अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। ये अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, चाहे उसकी इनकम की वजह से हो, चाहे उसके एज ग्रुप की वजह से हो, चाहे इस बात पर डिपेंड करता हो कि वो मेल है या फीमेल है, तो इस तरीके के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अगर एज के अकॉर्डिंग हो, सेक्स के अकॉर्डिंग हो, या उसकी
पर्सनल मतलब इनकम के अकॉर्डिंग हो, तो इस तरीके को बोलते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड है ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब कहलाएगा जब किसी गुड्स का प्राइस अलग अलग होने की वजह उसका ज्योग्राफिकल एरिया हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप दिल्ली में सीएनजी भरवाते हैं तो उसका अलग चार्ज है, और अगर दिल्ली के बाहर किसी अदर स्टेट में जैसे हरियाणा या यूपी में अगर आप सीएनजी भरवाते हैं तो उसका आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा। दिल्ली में ब्रेड आपको सस्ती मिलती है और यूपी में वही ब्रेड आपको महंगी मिलती है। तो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है एरिया की वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगला है डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। कई बार आपका प्राइस एक ही गुड्स का अलग अलग होने की वजह इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप बिजली का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पज के लिए तो आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा। डोमेस्टिक पर्पज के लिए आप उसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए तो उसी इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज अलग अलग है। गुड सेम है लेकिन प्राइस यूज के अकॉर्डिंग आपने का अलग अलग चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। अगला है डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि विंटर में अलग प्राइस है, समर में अलग प्राइस है, या दिन में अलग प्राइस है, रात में अलग प्राइस है, या किसी जैसे अभी आप देखिए हैप्पी आवर करके कई सारी कंपनी चलाती हैं कि वो बताती हैं कि अगर आप 3 बजे से 7 बजे के बीच में अगर आप आते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 7 बजे के बाद आने वालों को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का भी प्राइस पॉलिसी, जैसे कि कई सिनेमा हॉल वाले किसी स्पेसिफिक दिन को अपना जो रेट है मूवी टिकट का वो काफी कम रखते हैं, बाकी के दिनों में वो नॉर्मल डेज में ज्यादा होता है। जैसे कि सैटरडे संडे मूवी के टिकट का रेट ज्यादा होगा और वीक डेज में मूवी टिकट का रेट कम होगा। तो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। देखिए डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन करना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना इतना आसान काम भी नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने की कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिसमें से कि पहली कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली पावर। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए जरूरी है कि जो सेलर हो वो मोनोपोली पावर में, अगर मोनोपोली पावर में नहीं है तो वो जैसे ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है जो हायर जिससे हायर प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो किसी और कंपनी के पास या किसी और प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा गुड्स परचेज करने के लिए। तो प्राइस को अगर डिस्क्रिमिनेट करना है मोनोपोली को तो ये जरूरी होता है कि वो सिंगल सेलर हो और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, यानी कि उसके पास में क्या होनी चाहिए, मोनोपोली पावर होनी चाहिए। दूसरी जो वजह है, जो दूसरा होना चाहिए उसके पास में, वो है सेपरेट मार्केट। मान लीजिए एक मार्केट है ए मार्केट में वो और बी मार्केट, दो मार्केट है। अगर मान लीजिए ये कॉस्टली मार्केट है और ये चीपर है तो हो सकता है कि कोई कंज्यूमर जो कि ए का कस्टमर है, ए मार्केट का कस्टमर है, लेकिन वो बी मार्केट से जाके गुड्स परचेज कर ले, और ये भी हो सकता है कि वो बी मार्केट से गुड्स परचेज करके ए मार्केट में बेच दे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों मार्केटें सेपरेट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो ए का कस्टमर है वो बी में जाकर गुड्स खरीद नहीं सकता और बी का कस्टमर ए में आके गुड्स नहीं खरीद सकता। दोनों मार्केट का सेपरेट होना बहुत जरूरी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। तीसरा, लीगल सेंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर लीगल सेंक्शन नहीं होगा, अगर लीगल बैरियर नहीं होंगे तो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी को तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल पर्पज में यूज करोगे तो आपको फाइन लगा दिया जाएगा। ये लीगल सेंशन की वजह से ऐसा होता है, तभी तो आप कमर्शियल मीटर लगवाओगे कमर्शियल पर्पज के लिए, अदरवाइज तो आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी को कमर्शियल पर्पज के यूज करने से रोकने के लिए जरूरी है कि मोनोपोली के पास लीगल पावर हो ताकि वो कस्टमर को रोक सके, अलग अलग कर सके। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट यह है
कि दोनों ही मार्केट की इलास्टिसिटी में फर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही मार्केट की इलास्टिसिटी सेम है तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये हम किसी और वीडियो में आपको एक वीडियो बना के समझा भी देंगे कि उस केस में हम बता देंगे कि अगर दोनों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं कर सकता। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एक मोनोपोली के पास दो तरीके की पॉलिसी होती है। पहली पॉलिसी का नाम हम कर देते हैं फर्स्ट हाई प्राइस, लेकिन इस केस में लो क्वांटिटी उसको सेल होगी, और दूसरी है लो प्राइस, लेकिन इस केस में जो क्वांटिटी होगी वो हाई होगी। मोनोपोली को इन दोनों में से किसी एक पॉलिसी का यूज करना होता है एक मार्केट में। अब क्वेश्चन ये है कि वो किस मार्केट पॉलिसी का किस मार्केट में यूज करेगा। तो आप समझ लीजिए कि जहां पर डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक डिमांड है, तो वहां पर कंज्यूमर क्या, प्रोड्यूसर क्या करेगा, वहां पर प्रोड्यूसर ये करेगा कि वो हाई प्राइस चार्ज करेगा और लो क्वांटिटी गुड्स की सेल करेगा। उसकी डिमांड इनइलास्टिक है तो वो क्या करेगा, लो प्राइस चार्ज करेगा और हाई क्वांटिटी पर गुड्स बेचेगा। इसका मतलब हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर दोनों की इलास्टिसिटी में डिफरेंस है तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उस मार्केट में जहां डिमांड इनइलास्टिक है वो हाई प्राइस चार्ज करेगा, लो क्वांटिटी बेचेगा, और जहां डिमांड इलास्टिक है वहां पर लो प्राइस चार्ज करेगा, हाई क्वांटिटी में गुड्स बेचेगा। अगर हम बात करें डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो तीन तरीके की डिग्रीज हैं, यानी कि तीन तरीके के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। पहला है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब कहलाता है जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर की एबिलिटी टू पे के हिसाब से प्राइस चार्ज करता है, लेकिन इस केस में हर कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाएगा और इसका जो बेस होगा वो होगा एबिलिटी टू पे। इसका मतलब इस केस में विलिंग टू पे और एक्चुअल पे दोनों बराबर बराबर होंगे, तो दोनों बराबर होने की वजह से इस केस में जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो जीरो होगा। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब कहलाएगा जब अलग अलग क्वांटिटी के अमाउंट के लिए, अलग अलग वॉल्यूम के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए, आप बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल में देखिए नॉर्मली कि 200 यूनिट तक अलग चार्ज है, 200 के बाद अलग चार्ज है। तो इस तरीके का अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है जहां पर अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग चार्ज लिया जाता है, तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं हम सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इस केस में कुछ कंज्यूमर को सरप्लस भी मिल जाती है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन काफी कॉमन है। इसमें क्या करता है प्रोड्यूसर कि अपने मार्केट को दो या तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, मान लीजिए दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, और वो देखता है कि ए मार्केट या बी मार्केट में से किसकी डिमांड की इलास्टिसिटी अलग अलग है। मान लीजिए ए डिमांड में डिमांड इलास्टिक है और बी में डिमांड इनइलास्टिक है, तो उसने सब डिवाइड कर लिया। अब वो इलास्टिक वाले मार्केट में मोर गुड्स बेचेगा लेकिन लेस प्राइस पर, और यहां पर वो क्या करेगा, लेस गुड्स बेचेगा, लेस गुड्स सेल करेगा, लेकिन क्या चार्ज करेगा, हाई प्राइस। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को हम बोलते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब तीनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, आउटपुट और प्राइस का डिटरमिनेशन किस तरीके से होता है, वो हम किसी और वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम समझ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।